वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। अभी जैसे आपको पता है कि हम लोग निकल रहे हैं टेम्पल के लिए, और ये थोड़ा एरिया मैं दिखाने के लिए चाहता हूँ। एक्चुअली बेसिकली ये जो है भुवनेश्वर जो मेन टाउन है, जो मतलब सिटी बोल सकते हो, वहाँ से मेनली 6 to 10 किलोमीटर की दूरी पे ये एरिया है। और भुवनेश्वर की ये खासियत है कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगा, और जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हो सब कोई क्रिकेट खेल रहा है। अभी थोड़ा चाय पीते हैं। मैं उड़े चाय दाओ गरम अच्छा और दा फदा पड़ी जी। हम लोग ने उबर बुक कर लिया, और सामने जो स्कूटी में देख रहे हो वो मेरे कैप्टन है, तो वो मुझे राइड करके लेके जाएंगे। 7337 आमर साई टेम्पल सॉरी शिरीडी साई नाई आमर टोंकपाणी रोड सैड की जी शिरीडी साई मंदिर जी। हाँ 38 मंदिर को जी। गाइस हमें टेम्पल के पास पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, सातपड़ा जो है उधर लिखा गया है वो 99 किलोमीटर है, और इस रास्ते में हम जाएंगे स्ट्रेट पुरी, जो बहुत ही फेमस है जगन्नाथ टेम्पल के लिए। और 59 किलोमीटर आप देख सकते हो, ये रास्ते में पूरा जाएंगे 59 किलोमीटर से। तो ये एरिया ऐसा कुछ दिखता है। फिर हम लोग अभी चलेंगे मंदिर के तरफ, और जैसे आप देख सकते हो और मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ पे जितने सारे जो भगवान के सामान बेचते हैं ना, ज़्यादातर गुलाब फूल रखे हैं, मतलब आप देख सकते हो। तो इसलिए क्योंकि बाबा को फेवरेट है, आप देख सकते हो बाबा का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फूल है। तो ये हम चढ़ाएंगे बाबा के ऊपर, और बाप रे यहाँ पे एक लेके जाएंगे फिर। भाई कहते हैं गुलाब फूलो आओ, ये फोन पे करीब ना। थैंक यू। जैसे आप देख सकते हो हम लोग ये एक दिया लिए, और ये गुलाब का फूल लिए जो भगवान को चढ़ाएंगे, और स्ट्रेट हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे भी बहुत सारे दुकान है इसके अंदर, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो आप लोग, और हम लोग सीधा जाएंगे अभी शू स्टैंड के पास, शू रखेंगे, फिर ये मंदिर है टेंपल इसके अंदर जाएंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगा जो दिखा पाऊंगा मैं। शू 80 रखी देवी। इसके अंदर प्रवेश करेंगे, और यहाँ पे कैसे घूम के, यह इसके अंदर भी आप देख सकते हो दुकान है, और ऐसे घूम के जाना पड़ेगा शायद, लग रहा है सब कोई जा रहा है। ओके यहाँ पे कुछ बुक भी बेचते हैं, खाने को भी मिलता है, और हम लोग उधर दिया जलाने के लिए भगवान को देने के लिए चलेंगे। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल होगा शायद, तो हम लोग पूरा लगाएंगे दिया फिर अंदर चलते हैं। आया मोबाइल धर लो भी। हां ए ना नहीं मोबाइल धर रखा है, तो पालकी धर के ठीक है, पाद देखो पालकी धर रखा है, मोबाइल पकड़ पूरा। ओके ओके। एक्चुअली ये जो पालकी हम लोग उधर से लेके आए यहाँ तक, मते छोटा ताको दे दो। ओके मुझे पूजा करी अपने अरे पकड़ पूरा हो आप क्या को दे दे आइए मेरा पकड़ पूरा आइए तो डे पूजा स्टार्ट हो ना। कौन पालकी हो पालकी माने कौन पालकी माने। ओके ओके। अभी सब कोई पकड़ के और पूरा राउंड लगाएंगे हम लोग सब। थैंक यू, प्रभु का आशीर्वाद मिल गया। तो अभी हम लोग चलते हैं, और थोड़ा जो दिया रखे हैं उसको जला के
आराधना करते हैं भगवान का, फिर फूल लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, जो वहाँ पे साईं बाबा का जो मूर्ति स्थापित है वहाँ चलेंगे फिर। साई राम साई राम साई राम। यहाँ पे नवग्रह जो है तो उनके बारे में सब कुछ है। ये राहु देव, मंगल ग्रह, केतु ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति, चंद्र और शनि देव। ये रवि देव पूरा देख सकते हो आप। यहाँ पे शायद कुछ यज्ञ चल रहा है। प्रभु साई राम साई राम साई राम के फोटो है, बहुत ही खूबसूरत। इधर गणेश जी, प्रभु गणेश, साई राम प्रभु, और बहुत ही खूबसूरत एरिया। और यहाँ पे आप दान कर सकते हो। और इसके अंदर एक वृक्ष है जिसको आप देख सकते हो, ये जो पेड़ है ना, काटे नहीं, उसके लिए स्पेशली बना है, अच्छा है। पूजा का तैयारी चल रहा है, भगवान जी का पालिक रेडी हो रहा है। तो बाबा को लेके अभी पूरा घूमेंगे, और आ गया इधर फूल, और ये बाबा को अर्पित किया जाएगा। कौन से साइड में जाएंगे? वो साइड में प्रसाद। ओके थैंक यू। तो हम लोग को ऊपर जाएंगे अभी, बट मुझे पता नहीं, शायद यहाँ पे वीडियोग्राफी करना मना है, लिखा तो गया है मोबाइल आर प्रोहिबिटेड, बट ये भगवान का टेंपल है और ये हम लोग का एरिया है, और इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। जितने भी अगर हो सकता है तो हम दिखाएंगे। अंदर तो फोटो करने के लिए मना है, तो हमने फोटो सॉरी वीडियो बनाना बंद कर दिए। और फिर हम लोग गए अंदर और प्रार्थना किए, तो हमको ये भगवान जी का विभूति मिला, और इसको हम साथ में लेके जाएंगे। और यहाँ पे बाबा के लिए खाना बनता है, मतलब खाना बनता है इधर, ये रसोई यानी कि किचन घर है। और यहाँ पे ये तो बंद है फिलहाल, तो ये उनका घर है। ये एक्चुअली ये मेन टेम्पल है, और इसका ये चारों तरफ का नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी पालकी में बैठ के भगवान जी को पूरा राउंड करेंगे, तो उसका तैयारी चल रहा है। देखते हैं हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, अगर ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी रेडी पूरा चल रहा है, और बहुत ही अच्छा लगेगा देख के, सब कोई आ रहा है, पूरा पालकी लगा के प्रिपरेशन चल रहा है। जैसे ये पालकी में लगेगा, भगवान जी को हार चढ़ाएंगे, पूरा तैयारी चल रहा है सब कुछ का, आप देख सकते हो। अभी लाइट लग गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं इसलिए धीरे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पूजा सब कोई कर रहा है, तो मैं ज्यादा जोर से बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ। यूट्यूब ले चढ़े में बहुत सारे लोग आप देख सकते हो। मैंने पूरा प्रोसेस केमती चलची, पान खिलाएंगे भगवान जी को। भाई पानोटा हाँ दो चलता
अभी पालकी रेडी हो गया है, तो अभी लेके पूरा ये जो मंदिर का परिसर है वो पूरा घूमेंगे। और पालकी अभी सज चुका है पूरा, दोनों साइड में भी पकड़ के खड़े हैं। गाइस अभी आरती ख़त्म हुआ, बट हम लोग नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ पे अलाव तो नहीं है। और अभी देख सकते हो सब कोई आरती ख़त्म करके आ रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही स्पिरिचुअल फील हुआ। और सब कोई जैसे आप देख सकते हो अभी निकल रहे हैं, सब कोई आरती ख़त्म करके ख़त्म हो गया और हम लोग भी निकलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी हम लोग निकलते हैं और फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।